पुणे में तेज रफ्तार लग्जरी कार से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचलने के आरोपी 17 वर्षीय लड़के के पिता को एक स्थानीय अदालत ले जा रहे पुलिस वाहन पर कुछ लोगों ने स्याही फेंकने का कथित प्रयास किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना करीब 2:30 बजे उस समय हुई जब नाबालिग के पिता को यहां शिवाजी नगर इलाके में स्थित अदालत परिसर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के लिए लाया जा रहा था। नाबालिग के पिता को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर से हिरासत में लेने के बाद मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि पोर्श कार कथित तौर पर नाबालिग चला रहा था और जैसा कि पुलिस ने दावा किया कि दुर्घटना के वक्त वह नशे में था। पुलिस के मुताबिक कार ने रविवार तड़के पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को बुरी तरह से टक्कर मारी थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी। पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक किसी संगठन से जुड़े 4 से 5 लोगों ने नाबालिग के पिता को ले जा रहे पुलिस वाहन पर स्याही फेंकने का प्रयास किया। कार दुर्घटना में अनीश अवधिया और अश्विनी कोशा की मौत हो गई थी और दोनों 24 वर्षीय IT पेशेवर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में काम कर रहे थे।